everyone, welcome back to my channel. Today is day 7 of my continuous vlog streak. और अभी आज का दिन ज़्यादा कुछ इवेंटफुल नहीं था, बहुत ज़्यादा भयानक वाली धूप थी और मैं बैंक गई थी और एडमिट कार्ड निकलवाने गई, तो अपेरेंटली मुझे पता चला कि मेरे जो एग्ज़ाम 13 को होने वाले थे वो पोस्टपोन हो गए हैं और आई डोंट नो कब होंगे, क्योंकि अभी तक स्कीम नहीं आई है और एडमिट कार्ड भी नहीं आए हैं, तो बेसिकली मुझे पता ही नहीं है कि मेरे एग्ज़ाम होने कब वाले हैं और ये बहुत ही ज़्यादा एन्जाइटी दे रहा है मुझे, क्योंकि सडनली कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने एग्ज़ाम्स भूल जाऊं और वो फिर मेरे लिए दिक्कत बन जाए, तो इसीलिए जो टेंशन हो रही है जल्दी से फटाफट से स्कीम का पता चल जाए और जल्दी से एडमिट कार्ड आ जाए तो मैं इस टेंशन से थोड़ा दूर हूँ, क्योंकि अगर जुलाई के टाइम पर कोई भी एग्ज़ाम होते तो मेरे को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मुझे उस वक्त छुट्टी लेनी पड़ेगी स्कूल से और वो डेफिनेटली मेरे स्कूल को पसंद नहीं आएगा, तो दैट इज़ व्हाई आई एम थिंकिंग। और यही अपडेट थी आज की। अभी मैं टहल रही हूँ थोड़ा सा अपने लॉबी एरिया में, सो दिस इज़ द लॉबी एरिया। यहाँ पे सारे ये पेड़ वगैरह रखे हुए हैं, ईंटों पर रखे हुए हैं, नीचे नहीं रखे क्योंकि धुलाई के टाइम पर प्रॉब्लम होती है। अभी कुछ दिनों के बाद में इस एरिया का पूरा मेकओवर होने वाला है, बिकॉज आई गेस यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन शुरू करवाने वाले हैं पापा, ये चेंज करवा के यहाँ पे टाइलिंग या फिर पत्थर लगने वाला है, तो ये पूरा चेंज हो जाएगा, ये बहुत प्रिटी होने वाला है। सबसे बेस्ट एरिया मेरे ख्याल से यही हो जाएगा घर का, क्योंकि जब क्लीनलेस आ जाती है, क्योंकि यहाँ धूल बहुत ज़्यादा आती है, टोटल ओपन एरिया है, तो उसकी वजह से सो वी आर होपिंग कि काम जल्दी शुरू हो जाए, इससे पहले कि बरसात शुरू हो काम शुरू हो जाए। सो बात तो हो गई है, आई गेस एक हफ्ते के अंदर शायद काम शुरू हो जाएगा, सो आई विल कीप यू अपडेटेड विद दिस। और ये लॉबी एरिया मेरा फेवरेट है। ये वाला जो पेड़ आप देख रहे हो, ये कनेर का पेड़ है, ये बहुत पुराना पेड़ है एक्चुअली, और इस पेड़ की खासियत ये लगाया गमले में गया था, बट ये गमला तोड़ के इसकी जड़ों ने पूरे फर्श के नीचे चली गई है, तो अब जब हमें कंस्ट्रक्शन कराना होगा तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें इसे इसके लिए स्पेस छोड़ना पड़ेगा थोड़ा सा, बिकॉज ये बहुत पुराना पेड़ है और हम इसे काट नहीं सकते। दिस इज़ द मोस्ट फ्रूटफुल वन, इस पर पूरे 12 महीने कनेर आता है और एक्चुअली फेवरेट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि दादू ने लगाया था और ये सारे पेड़ दादू ने लगाए थे, तो इसीलिए थोड़े क्लोज है। सो या दिस इज़ व्हाट द अपडेट इज़। और अभी ज़रा एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं एंड आई विल शो यू कि मैं कौन सी एक्सरसाइज अभी कर रही हूँ। अभी तो फ़िलहाल आधे घंटे में टहलती हूँ, स्लो पेस फास्ट पेस जैसा भी ठीक लगता है, टहलना इंजॉय करती हूँ मैं हेडफोन्स लगाकर। और उसके अलावा आई हैव ट्रेडमिल, जिस पर एक मशीन है, आई डोंट नो व्हाट इट इज़ कॉल्ड, बट वो मुझे स्टमक एरिया पर बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है कॉन्टिन्यूसली, और उसकी वजह से मेरे इंचेस भी लूज़ हुए हैं, सो दैट इज़ वाई आई विल शो यू कि वो क्या है इन अ बिट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना ये वॉकिंग पीरियड कम्प्लीट कर लूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। दिस वन इज़ द मशीन दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट एंड ऑल यू हैव टू डू इज हैड सम एक्यूपंक्चर थिंग एंड यू हैव टू जस्ट गेट ऑन इट एंड रोल योर बॉडी इन अ स्ट्रेट पोजिशन एंड जस्ट डू इट। तो इस तरीके से आपको करना होता है और बहुत ही ज़्यादा स्टमक आपका इससे बहुत ज़्यादा फिट हो जाता है। ये आलू चाहिए अभी कटा नहीं है, कटेंगे तब मिलेंगे जाओ मम्मी को बुला के लेके आओ, जाओ मम्मी के पास जाओ, जाओ। तो मम्मी अभी चिली पटेटो बना रही है। हमारे यहाँ डिनर में ना कुछ अतरंगा ही बनता है, क्योंकि कोई खाना ही नहीं चाहता कोई सिंपल सी चीज़, तो इसीलिए। और ये रखे हैं आलू और जो बाकी के फ्राई वाले हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये चिली पटेटो तक जाने भी वाले हैं, क्योंकि ये उससे पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। मैं अभी अभी नहा कर आई हूँ, एक्सरसाइज कम्प्लीट हो गई थी और अभी दोपहर ये पैकेज आया था और मैं उसका सो रही थी, सो वी हैव टू सी कि ये कैसी आई है। ये एक्चुअली एक शर्ट है, ट्राउज़र के साथ मैंने ऑर्डर की थी, तो देख लेते हैं कैसी है। ये थी कुछ अराउंड, ये ऐसी है, इट्स इन साइज XL राइट नाउ, और इसे मैं अभी पहन के देखने वाली हूँ, देखती हूँ कैसी है। मटेरियल तो ठीक ही है,
या मटेरियल इज़ फाइन मटेरियल, ठीक है, कॉटन ब्रांड का लग रहा है, अराउंड 350 या 400 समथिंग की है शायद। ये ट्राउजर्स ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, ट्राउजर्स वर फॉर 390 आई गेस। तो इसको भी मैं पहन के देखने वाली हूँ, देखते हैं कैसी है, और उसके बाद मैं बताती हूँ आपको कि इसका मटेरियल एक्चुअली कैसा फील हो रहा है बॉडी के ऊपर। सो मैं इसे ट्राउजर्स के साथ पहनने वाली हूँ, तो देखते हैं दोनों का मटेरियल कैसा लगता है। तो शर्ट कुछ ऐसी लग रही है, फिटिंग ठीक है शर्ट की, साइज परफेक्ट है, बट फ्रेंकली आई डेंट लाइक द क्वालिटी, बिल्कुल पसंद नहीं आई क्वालिटी, बहुत ही बेकार है। लाइक 400 रुपये के हिसाब से क्वालिटी थर्ड क्लास है, रद्दी कपड़ा है बिल्कुल, और बिल्कुल अच्छी नहीं है यार, आई रियली डेंट लाइक इट। आई गेस मैं इसको रिटर्न करने वाली हूँ क्योंकि पापा मेरी बैंड बजा देंगे अगर मैंने इतनी बकवास क्वालिटी की शर्ट ली तो। बहुत ही ज़्यादा बुरी डांट पड़ने वाली है मेरी अगर मैंने इस टाइप की शर्ट ली तो, क्योंकि ये देखने में अच्छी लग रही है बट इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आई मीन यू कैन गेट इट इन 200 और 250 अगर आप रिटेल में लेने जाओगे, बहुत ज़्यादा बकवास कपड़ा है इसका, और मैं इसे रिटर्न करने वाली हूँ। आई लव माई ट्राउजर्स, सीरियस कह रही हूँ कि ये मुझे बचपन में मेरे पास में इस टाइप के ट्राउज़र थे जो कि सेम फैब्रिक में थे, और आई गेस ये बेटर है मेरे वो वाले फैब्रिक से, बट आई लव दिस फैब्रिक, और मैं ट्राउज़र रिटर्न नहीं करने वाली, दे आर गोना स्टे हियर एज आई एम लूजिंग वेट, तो ये और ज़्यादा बेटर फिट में आने वाले, बट आई हेट दिस शर्ट, और ये मैं वापस करने वाली हूँ। इसकी जगह आई एम गोना ऑर्डर सम अदर टॉप, और देखते हैं उनकी क्वालिटी कैसी होती है, बट ये बहुत ही ज़्यादा बेकार है, सो आई एम गोना रिटर्न इट, आई रियली डिडंट लाइक इट। मेरी जो ग्रीन टी थी वो ख़त्म हो चुकी है, और तो कल डिटॉक्स वाटर के लिए मुझे कुछ ना कुछ चाहिए होगा, तो अभी ग्रीन टी नहीं है, तो उसकी जगह आई एम गोना ड्रिंक जीरा वाटर, वो भी एक डिटॉक्स ड्रिंक है, और बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिस होते हैं या आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको परफेक्ट कर देता है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल एक ग्लास पानी लेना है और उसमें थोड़ा सा जीरा ऐसे करके आपको बस सोक कर देना, और ये पूरी रात ओवरनाइट सोक हो जाएगा, होने के बाद आपका डिटॉक्स ड्रिंक रेडी हो जाएगा। आप गर्मियों में जब इसे पी रहे हैं तो आप बिना गर्म किए पी सकते हो, अगर आप गर्म पीना चाहो तो आप गर्म भी पी सकते हो, और अगर आप सर्दियों में पी रहे हो तो डेफिनेटली गर्म करके पीना, तो उससे बॉडी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो कल सुबह तो मैं ये पीने वाली हूँ, और इसी के साथ आई एम गोइंग टू स्लीप, और मेरा दिन यहीं पे ख़त्म हो गया है, और आई हैव गॉट माय आईज हाइड्रेटेड, मैंने एलोवेरा जेल अप्लाई किया, क्योंकि अगर रात में आप ये जेल अप्लाई करते हो तो ये डार्क सर्कल्स में एक्चुअली हेल्प करता है, और ज़ीरा वाटर मेरी रेडी हो गया है। तो ये था लास्ट टास्क मेरी दिन का, और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। सो गुड नाइट एवरीवन, एंड मिलते हैं कल के ब्लॉग में, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। बाय बाय।